जय सियाराम, हरिओम। मनीष कश्यप देश का एक माना हुआ आतंकवादी है, क्योंकि एक पूरा का पूरा स्टेट तमिलनाडु उसके आचरण से, उसके बोलने से, उसके झूठ बोलने से डिस्टर्ब हो सकता है, जो बहुत ही शांत स्टेट। ये जो कूड़ा जी हैं, सॉरी चंद्रचूड़ जी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आदरणीय माननीय ब्रह्मज्ञानी एब्सोल्यूट जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने ऐसा रिमार्क दिया है कि जो कोई शांत स्टेट है ना, उसको आप अशांत करने का अधिकार आपको नहीं मिल जाता फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे। एक्चुअली हुआ क्या कि मतलब पहले तो ये बता दूं कि मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आदरणीय माननीय ब्रह्मज्ञानी एब्सोल्यूट नॉट मैन चंद्रचूड़ जी ने नहीं दिया बेल, जमानत नहीं दी और कहा कि भैया आप चले जाओ हाई कोर्ट, वहाँ जाके बोलो कि तुम्हारे ऊपर NSA जो है वो गलत लगा हुआ है, तुम्हारे ऊपर FIR गलत, जो भी रिलीफ मांगना वहाँ जाके मांगो, अभी तो नहीं दे सकते। भैया ये जो वकील साहब थे मनीष कश्यप के, उन्होंने कहा माय बाप हुजूर भगवान जी, मनीष कश्यप ने उन खबरों के ऊपर अपनी खबर बनाई थी, अपना वीडियो बनाया था, जो कि दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अखबारों के हेडलाइंस थे, तो उसके ऊपर अगर NSA आप लगा रहे हैं तो सबके ऊपर NSA लगाना पड़ेगा, पूरा जो फ्रेटर्निटी है अखबार का, जो जर्नलिज्म का है, वो सबको डाल दो जेल में फिर। तो भैया कपिल सिब्बल आए थे उधर से तमिलनाडु के वकील बन के, कपिल सिब्बल की भी कहानी बताऊंगा और फिर आपको लगेगा अच्छा ये बात है। कपिल सिब्बल बोले हुजूर ये तो पत्रकार नहीं है, ये तो चुनाव भी लड़ चुका है। अरे गांव में है तो ठोक पीट चलता रहता है चारों तरफ, तो वो आवाज़ आपको आती रहती होगी, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम तो घरे घर जाके नहीं बोलेंगे ओ भैया हम जो है वीडियो बना रहे हैं, मनीष कश्यप का जिक्र कर रहे हैं, जरा ठोको गम, तो हमारी कहने से तो कोई मानेगा नहीं। अब जब जिसको मर्जी होता है अपना गुस्सा अलमीरा पर, पेटी पर, ड्रम पर पीटता रहता है, अब क्या करेंगे। ठीक है तो ठीक है, पीट रहे हैं, आपको आवाज़ आई होगी। तो देश के महानतम कांग्रेसी वकील कपिल सिब्बल, जो कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से हैं वकील, उन्होंने कह दिया है हुजूर माय बाप इसको पत्रकार समझने की भूल न करें, ये तो चुनाव भी लड़ चुका है। अरे जैसा आपको लगा अच्छा चुनाव लड़ चुका है, ओ भैया मतलब भयानक बात है, पत्रकार कैसे रह गया, तो चुनाव लड़ लिया। अरे MJ अकबर पता नहीं कितने बड़े पत्रकार माने जाते रहे हैं ना, उन पर मीटू का जो लगातार आरोप पत्रकारिता के ज़माने में, ये जो कलुआ है अपना आशुतोष पत्रकारे था ना, झापड़ लगा था काशीराम से, था ना पत्रकार, पॉलिटिक्स में नहीं आया फिर दोबारा से पत्रकार हो गया। भाई वकील जो है कपिल सिब्बल कैसे वकील है, वह मंत्री रह चुका है ना, कानून मंत्री, कांग्रेस का नेता, फिर वकील, मतलब दुनिया में कोई भी काम कर रहे वकील कर सकता है, मतलब वकील जो है पत्रकार हो सकता है, मंत्री भी हो सकता है, पॉलिटिशियन भी हो सकता है, लेकिन पत्रकार चुनाव ना लड़े, बताइए। और ये जो हैं अपने CJI चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने मतलब अजीब माथा को हिला देने वाला रिमार्क दे दिया कि उसको कोनो अधिकार तो है नहीं कि किसी शांत प्रदेश को, तमिलनाडु जैसे शांत प्रदेश को अशांत करने का। ओ भैया इतना बड़ा आदमी हो गया है, तो इमरजेंसी के टाइम में पूरे देश को जेल में ठूस रही थी इंदिरा गांधी, तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण कर दिए थे, बोली में दम था। अब इसके एक वीडियो में इतना दम है कि ये प्रदेश को अशांत कर दिया, तो पूजनीय हो गया ना, लेकिन नहीं, निगेटिवली अशांत किया। चंद्रचूड़ साहब की बात थी। और कपिल सिब्बल के बारे में आपको बता दूँ कि ये खाली कांग्रेस के महान नेता ही नहीं है, ये खाली आतंकवादियों के, माफियाओं के वकील नहीं हैं,
अतीक के, आज़म खान के, वो अंसारी के, वो आज़म के, इसके उस सब के लिए खाली वकील क्या के नाम है, साहबुद्दीन के भी वकील रह चुके हैं, लालू यादव या लालू यादव, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, सब के वकील नहीं है ये आदमी। मतलब कि वो जो तिस्ता सितलवार थी उसको जब बिल नहीं मिला तो इस आदमी ने, कपिल सिब्बल ने कह दिया था ये इस पर भरोसा नहीं है। 50 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थिति ऐसी हो गई है कि इसे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। एक केस में थोड़ा सा झटका लग गया था तो वही मनीष कश्यप को आतंकवादी बताने चला गया और कहा NSA लगा हुआ है, इसको कैसे बिल दे सकते हैं आप। अच्छा एक और बात बता दें कि ये जो कपिल सिब्बल जो लाखों की फीस लेता है इसके अगेंस्ट में, तो देती ही होगी तमिलनाडु सरकार, दी होगी फीस इसको तमिलनाडु सरकार। क्यों फीस दी होगी? क्योंकि अपने जो लालू यादव एंड कंपनी जो है RJD उससे कुछ होगा। ये जो है कपिल सिब्बल हैं तो कांग्रेसी नेता, लेकिन राज्यसभा में लालू यादव की पार्टी इनको भेजती रही है, इस बात को पता है आप लोगों को? कहीं हम कहीं से सुने हैं तो बोल रहे हैं, गलत हो तो बता दीजिएगा कि लालू यादव की पार्टी RJD से राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल बनते रहे हैं, तो नमक जो खाए हैं लालू यादव इन पार्टी का, तेजस्वी का, तो उसको अदा करना पड़ेगा ना इनको। तो कह रहे टेंशन न लो तेजस्वी, 2024 में जब देश का चुनाव होगा तब तो इसको बाहर नहीं निकलने देंगे, बिहार का कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, इतना डरा हुआ है भाई। अब उसके बाद 2025 में बिहार का चुनाव होगा, जब 2025 तक में नहीं निकलेगा तो लोग भूल जाएंगे इसको। बहुत बड़ा मतलब हम लोग जंगल राज क्या होता है आप समझ सकते हैं, है ना? आप घर में थोड़े से पैसे लेके जाते हैं, आटा चावल रोटी लाते हैं, खाते हैं और आपका दिन गुजरता है, रात गुजरता है, लेकिन जंगल राज आपको महसूस हो जाएगा खट से, जैसे आपको किसी सरकारी महकमे से वास्ता पड़ जाएगा, आपको किसी दबंग से वास्ता पड़ जाएगा, आपको किसी कानून की जरूरत पड़ जाएगी, आपको थाना कोर्ट अस्पताल से वास्ता पड़ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगी आप किस प्रदेश में रह रहे हैं, वहाँ की कानून व्यवस्था कहती है और वो जंगल राज किस तरीके का है। जाहिर है जंगल राज जातिवादी कारण ही, हम उनको वोट देते हैं इसी कारण से, और जिनको वोट देते हैं वो भी अपना जोड़ के तोड़ के मरोड़ के इधर उधर करके सत्ता में आ जाते हैं। मनीष कश्यप जेल में, तो मनीष कश्यप का जेल और तेजस्वी यादव का खेल, यही जंगल राज है। और ये जंगल राज सर चढ़ के बोल रहा है और आम आदमी जो सबसे नीचे तक जो आदमी है वो सबको ये जंगल राज महसूस हो रहा होगा। अगर जिसे नहीं महसूस हो रहा है वो बिहार में शायद नहीं रहता है, यूँ तो कानून व्यवस्था तो पूरे देश की कुछ ऐसी ही है। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि ये जो थे रंजन गोगोई जो चीफ जस्टिस थे, आ गए थे ना जस्टिस सब को लेकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और कह रहे थे कि ये जो है एक कॉकस है, एक कोई सुप्रीम कोर्ट पे किसी का एक दबाव रहता है, वो कह रहे थे ना। और ऐसा लग रहा था कि राफेल उफेल केस में ये मोदी को दबोच लेंगे, सुप्रीम कोर्ट है भैया बहुत पावर है उसमें सुप्रीम कोर्ट। अब जैसे कि आपको ही पता है कि CAA संविधान से बन के आया, सुप्रीम कोर्ट ने लागू नहीं होने दिया, NRC लागू नहीं होने दिया, किसान बिल था लागू नहीं होने दिया, तो बाद में विथड्रॉ भी किया। तो सुप्रीम कोर्ट तो संसद से ज़्यादा शक्तिशाली आज की तारीख में। वो कहते हैं ना कि सत्ता किसी की भी वो व्यवस्था हमारी है, तो सत्ता जिसमें चाहे मोदी हो चाहे फोदी हो कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट की अपनी सस्ता है। और ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं मोदी एंड सुप्रीम कोर्ट भरते, जो लड़ाई चल रही है कॉलेजियम के लिए, वो उनका दोनों का इंटरेस्ट है अपना अपना। ये जो किरण रिजिजू हैं जो कानून मंत्री हैं अभी वर्तमान में, वो तो बोल चुके हैं ना कि भैया वकीलों के एक एक एंट्री के लाखों की फीस क्यों दी जाती है, वो तो कानून की बात करते हैं ना, क्यों दी जाती है भाई? अरे किरण रिजिजू जाँच तो करा लेते, कानून मंत्री थे, क्या सेटिंग होती है, क्या फिक्सिंग होती है, क्यों किसी वकील को इतनी फीस दी जाती है कि रात के 2 बजे भी वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवा लेता है, जज को बुला लेता है, अपनी बात सुना देता है, उससे अपनी बात मनवा लेता है, ये इसी मोटी फीस का तो परिणाम है।
और एक पैरेलल व्यवस्था जो कानून के इतर जो सुप्रीम कोर्ट के माइंडसेट से चलता चल रहा है देश में, वामपंथी व्यवस्था जिसको कहते हैं, जिसको कांग्रेसी व्यवस्था कहते हैं, कांग्रेस तो चली गई, वामपंथी तो देश में है नहीं, लेकिन वो व्यवस्था तो कायम है। एक मामूली छोटा सा अदना मनीष कश्यप पर NSA लगा दिया जाता है और देश की जनता सोई रहती है, परी रहती है, कानून व्यवस्था है, थूकने लायक व्यवस्था है, ये कानून व्यवस्था है। मतलब बड़े बड़े अखबारों ने जो लिखे उसको फॉलो किया और सुप्रीम कोर्ट में आ गए, ठीक है, पॉलिटिकली उसको पनिशमेंट दिया तेजस्वी ने, मान लेते हैं, उसको मिट्टी में मिला देने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इसी सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को तो दिया होगा बेल, सिस्ता तलवार को तो दिया बेल, मतलब मनीष कश्यप को बोल दिया, अभी बोला है कि जाओ हाईकोर्ट जाओ भैया, वहाँ से जाके जो करना है करो। तो मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ, जिसके पास की आवाज़ है वो आवाज़ लगाएं, आवाज़ में जोरें, डरे नहीं, डरेंगे तो मरेंगे, तो डर के मरने से अच्छा है थोड़ी सी आवाज़ लगा के मर लो भाई। और मनीष कश्यप को बलिदानी नहीं बनने दें, वो बलिदानी नहीं है, वो संघर्षरत युवा है, वो पत्रकारिता में आया है, इंजीनियर बनने के बाद, चुनाव लड़ने के बाद आवाज़ लगाने आया है, सोच के समझ के प्लानिंग से आया है, सत्ता की व्यवस्था को बदलने की कोशिश में आया है, मजदूरों की आवाज़ उठा रहा है, गरीबों की आवाज़ उठा रहा है, और जो व्यवस्था में कमियां हैं, खराबियां हैं, भ्रष्टाचार हैं, उसको ताकत से दिखा रहा है, तभी तो उतने फॉलोअर्स हैं। आज हम भी आज बात कर रहे हैं कि एक ऐसा लड़का है जो युवा है, जिसमें संगठन की भी क्षमता है, उसको ठोक दिया जेल के अंदर। एक यूट्यूबर कह रहे हैं, अरे यूट्यूबर है तो छोड़ देते ना उसको, देख लेते ना क्या औकात है उसकी, क्या औकात है तुम्हारी, सत्ता की व्यवस्था तुम्हारे हाथ में है, तो उसको ठोक दिया, जेल के अंदर डाल दिया, NSA लगा दिया और कपिल सिब्बल जैसे वकील को वहाँ खड़ा कर दिया जिसका पता नहीं। अरे हाँ, रंजन गोगोई की बात कर रहा था ना मैं, एक लड़की ने मोलेस्टेशन और सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया था ना उसके ऊपर, रंजन गोगोई के ऊपर, मिट्टी पलित हुई थी ना उसकी, जस्टिस ऑफ इंडिया था ना वो, आ गए थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, कह रहे थे ना मोदी को दबोच लेंगे राफेल केस में, कह रहे थे लोग, वो तो खैर जुबान थे, क्यों बोलेंगे, कोई जस्टिस क्यों बोलेगा, लेकिन परिणाम क्या हुआ, एक छोरी ने आरोप लगा दिया, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। फिर बाद में जब किताब लिखी उन्होंने तो लड़की का नाम लिखा, उस समय तक जब तक वो थे रिटायर नहीं हुए थे, बाप बाप चिल्ला रहे थे, कैमरा को देखते नो करते थे। तो ये जो कानून की प्रक्रिया है, जो व्यवस्था, वो लोग भी किसी न किसी के चंगुल में होती है, मैं कहने वाला हूँ। तो सरकार किसी की वो जो व्यवस्था चल रही होती है उससे वो लोग इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं, कभी कभी लगता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा जजमेंट हो गया आपको लगता होगा वहाँ भी कोई कारण होता है, आम तौर से जब कुछ लेना नहीं देना नहीं तो जो जजमेंट है वो कर दिया, लेकिन जहाँ भी किसी का इंटरेस्ट है तो वो उस, और किसी का इन्फ्लुएंस है तो इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस में जो जीतता है जजमेंट ऐसा आता है, आप लोगों को पता होगा। कई हम ऐसे होंगे जिनके दादाजी ने केस किया होगा, पोते लड़ रहे होंगे, तो यही है, मनीष कश्यप को उसी की सज़ा मिल रही है। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और व्यवस्था कैसी भी हो, कानून कैसा भी हो, कोशिश कीजिए जो अपने अंदर की जो पुरुषत्व है, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिंदा रहने की, तटस्थ नहीं रहना है, आवाज़ लगानी है, लड़ाई लड़नी है, झुकना नहीं है, अपनी बात कहनी है, चाहे हम जिस स्तर पे हों, जहाँ हों, हमें न्याय मिले इसकी कोशिश करनी है। अभी मनीष कश्यप सामने है, उसके लिए आवाज़ लगानी है, और ये फ़र्क पड़ता है जब वक्त आता है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, जय सियाराम, हरिओम।